सब्सक्राइब कीजिए टेक इंजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इंजन। होप यू आर डूइंग गुड। सैमसंग के हाई रेंज फोन्स आते बहुत ही अच्छे फीचर्स और प्रीमियम फील के साथ। हमारा जो लास्ट वीडियो था अबाउट नॉन चाइनीज फोन्स, उसमें हाई रेंज फोन के लिस्ट में सबसे ज्यादा फोन सैमसंग के ही थे। तो आज हम करने वाले हैं सैमसंग के सबसे महंगे और टॉप नॉच फीचर्स वाले फोन की अनबॉक्सिंग, विच इज सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, दिस इज द बॉक्स। सामने की तरफ आपको लिखा हुआ मिल जाता है N20 और S Pen का साइन दिखाया है। नोट 20 अल्ट्रा लिखा हुआ है। इस साइड यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा लिखा हुआ दिख जाता है। ऊपर की साइड यहाँ पर आपको IMEI नंबर दिख जाते हैं और इस साइड आपको यहाँ पर दिखता है 1,16,000 लिखा हुआ इसका प्राइस। बट ये ऑनलाइन साइट्स पर Amazon और Flipkart पे 1,05,000 का अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बॉक्स को अब ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये साइड पे कंटेंट्स नहीं है, ये साइड पे भी आपको कुछ कंटेंट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। इस साइड ओपन करने पे आपको कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं जो नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है, तो रखते हैं इसको साइड में। नेक्स्ट इज द फोन इटसेल्फ, दैट फील्स रियली प्रीमियम ड्यूड। फोन को भी रखते हैं साइड में फिलहाल के लिए। यहाँ पे ये फ्लैप को उठाने पर आपको सुपर फास्ट चार्जर 20 वैट्स का मिल जाता है, साथ में AKG के प्रीमियम ईयरफोन मिल जाते हैं। और गाइज, नोट करने वाली बात है कि फोन में कोई भी तरह का आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता, तो आपको USB Type-C पोर्ट में ही इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम बटन्स और काफ़ी क्लिकी बटन्स हैं। साथ में आपको ईयर लॉब्स मिल जाते हैं, एक लगा हुआ मिलता है, दैट इज द मीडियम वन, स्मॉल और लार्ज। नेक्स्ट, आई होप दिस इज द USB Type-C केबल। दोनों साइड पे USB-C मिलता है, यानी कि चार्जर में भी आपको USB-C ही मिलेगा। तो चलते हैं फोन की तरफ, फोन को चालू करते हैं और देखते हैं कि फोन कैसा है चलने में। देखते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू को। तो पीछे की साइड आपको कम्प्लीटली ग्लॉस फिनिश मिल जाता है, जो एक कम्प्लीट फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अगर आप ये फोन ले रहे हैं तो आपको साथ में एक कपड़ा भी लेके घूमना पड़ेगा, जिससे आप फोन को हमेशा क्लीन करते रहोगे, ताकि आपका फोन अच्छा दिखता रहे, क्योंकि आप इसी के पैसे दे रहे हैं, राइट। सामने की साइड देखें तो आपको मिलता है 6.9 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले, जो आपके स्क्रीन और टू बॉडी रेशियो को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देता है। साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, उसके नीचे पावर बटन। इस साइड देखा जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ये कंप्लीट प्लेन साइड है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो आपको मिलता है एक सिम स्लॉट, जो कि हाइब्रिड है। उसके बाजू में मिलता है एक माइक्रोफोन। नीचे की साइड आपको मिलता है S Pen। उसके बाजू में है स्पीकर ग्रिल। उसके बाजू में है चार्जिंग के लिए USB Type-C और उसके बाजू में एक और सेकेंडरी माइक्रोफोन। सो ये है फोन की कंप्लीट ओवरव्यू। फोन को हम लोग ने सेटअप कर दिया है, अब देखते हैं इसके क्या क्या स्पेक्स हैं। फोन के स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो सामने की तरफ मिलता है आपको 6.9 इंच का WQHD+ डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले। इस फोन के अंदर आपको मिलता है सैमसंग की तरफ से 990 एक्सिनोस प्रोसेसर। 990 को अगर देखा जाए मार्केट में तो वो स्नैपड्रैगन 885 के अकॉर्डिंगली दिखा जाता है। इस फोन को बैक करता है 4500 mAh की एक मैसिव बैटरी। हालांकि फोन की बैटरी काफी बड़ी है, बट फोन का स्क्रीन साइज भी काफी बड़ा है, और अगर आप पावर यूजर हैं तो इस बैटरी वोंट लास्ट यू फॉर अ डे। सामने की तरफ स्क्रीन में देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक पंच होल मिलता है ऊपर की साइड, जो एक 10 MP सेल्फी कैमरा है। पीछे की साइड आपको काफी बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें आपको तीन कैमराज मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द 108 MP, सेकेंड इज 12 MP और थर्ड 12 MP मिल जाता है। पीछे की साइड आपको फ्लैशलाइट के साथ एक लेजर सेंसर भी मिलता है, जो फोटोज काफी अच्छे इंप्रूव कर देता है। ये फोन आता है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ, बैक्ड विद एंड्रॉइड 10 एंड सैमसंग UI OS। फोन की सबसे खास बात यह है कि इसके साथ आपको एक S Pen मिलता है, जो एज अ स्टाइलस एंड मेनी मोर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जिसके फीचर्स हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और फेस रिकॉग्निशन मिल जाता है। हमने एक चीज नोटिस किया कि जब आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज कर रहे हैं तो आपको हल्का सा एक एनिमेशन लैग मिलता है। हालांकि वो प्रोसेसर या फिर रैम की प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी ने जानबूझकर प्रोवाइड किया है। हमने इसमें Asphalt 9 खेल के देखा, जो कि बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम है, बट इस फोन में काफी स्मूथली चल रहा है। बात करें अगर इस फोन के हीटिंग के बारे में, तो स्टार्टिंग में तो ये हीट नहीं होता, बट जब आप कंटिन्यूसली 15-20 मिनट्स तक कोई भी चीज यूज करते हैं या गेम खेलते हैं, तो ये फोन धीरे धीरे दोनों साइड में और पीछे साइड के बॉटम में हीट होने लगता है। इस फोन के साथ आपको मिलता है एक S Pen,
जैसे आप उसे अंदर की तरफ प्रेस करते हैं वो बाहर निकल आता है। सैमसंग ने एक अच्छा चीज़ किया कि ये पेन को आप कोई भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट पहले के सीरीज में आप अगर कोई भी डायरेक्शन में डालते थे फोन अटक जाता था। यहाँ पर एक मार्कर होता था, उस डायरेक्शन को वहाँ पर अलाइन करना होता था, जिसकी वजह से ये फोन अटक जाता था और आपको फिर गैलरी जाना पड़ जाता था। तो इस बार सैमसंग ने वो चीज़ निकाल दिया और आप इसे कोई भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि पेन का जो शेप है वह एक्चुअली ट्राइंगल है। आई डोंट नो वेदर कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये थोड़ा सा ट्राइंगुलर है रैदर देन बीइंग अ कंप्लीट राउंड पेंसिल। इस पेन को जैसे ही आप निकालते हैं इस फोन से, ये फोन उसे सेंस कर लेता है और आपको ये स्क्रीन देता है फटाक से कोई नोट्स लिखने के लिए। ये फोन पर आप जब लिखते हैं तो आपको एक सीमलेस पेंसिल वाला फील आता है और साथ में एक ये साउंड भी प्रोवाइड करता है। एस पेन सिर्फ लिखने के लिए नहीं बल्कि जेस्चर्स के लिए भी काम आता है इस फोन पे। जैसे कि अभी हम गैलरी ओपन करके देखते हैं, अगर आपको नेक्स्ट फोटो पे जाना है तो आप इस बटन को दबा कर रखना होगा और उस डायरेक्शन में प्लेस करना होगा जिसमें आपको फोटो पे जाना है, लाइक दिस। अगर आपको प्रीवियस फोटोज पे जाना है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हालांकि इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट फिर भी हमने नोटिस किया इसका जो कैमरा है वो काफ़ी बल्की है, जिसकी वजह से इस फोन को कोई भी इवेंट सरफेस पर रखने पर ये काफ़ी अनबैलेंस रहता है। और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस फोन के साथ नहीं बल्कि सैमसंग के सारे लाइनअप के साथ है कि वो इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर ही क्यों देता है जबकि अमेरिका और कनाडा में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं। शेयर विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल टेक इंजन फॉर मोर टेक वीडियोस। शुक्रिया।